वहीं देखिए अबू धाबी में आयोजित कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में सीएम धामी ने कहा है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में यूएई ने बड़ी प्रगति की है। यहां की प्रसिद्ध इमारतें विश्व में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं। सरकार निवेशकों को राज्य में सभी प्राथमिक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को हमेशा तत्पर है। यही वजह है जो लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली रोड शो में 40,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से उत्तराखंड में 5 वर्षों में करीब 1,50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। सीएम ने कहा है कि राज्य में निवेश करने के लिए सरकार बेहतर माहौल देने का प्रयास कर रही है। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य भारत का एक प्रांत है और हिमालय का राज्य जिसको देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, और देवभूमि उत्तराखंड से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत स्नेहपूर्ण कर्म मर्म का संबंध है, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य तेजी से आगे बढ़ा है। और जैसा अभी जितेंद्र जी ने कहा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज देश के अंदर जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ी है, भारत की पहचान बढ़ी है, और दुनिया के देशों में भारत के लिए आदर और एक श्रद्धा का भाव निर्मित हुआ है, वो निश्चित रूप से हर एक भारतवासी के लिए गौरवान्वित करने वाला है। वो चाहे भारत में रहता हो, इंग्लैंड में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, अबू धाबी में रहता हो, या दुनिया के किसी कोने में रहता हो, तो एक वातावरण आज संपूर्ण जगत के अंदर यानी कि होल ऑफ वर्ल्ड एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना है। मैं यहां आने से पहले भी इंग्लैंड की यात्रा पर गया था, वहां भी जिस प्रकार से लोगों ने आज भारत के बारे में जो एक सोच बनी है, एक अवधारणा बनी है।